inferior view, ठीक है. तो cooling is your parts by parts हम उनको explain करेंगे. तो ये cerebellum सबसे पहले temporal lobe, ये जो है ना brain stem और parts of the limbic system, और फिर ये frontal lobe. तो शुरू करते हैं सबसे पहले medulla से. So this is the medulla. ये medulla extends from the level of the foramen magnum up to the frontomedullary junction. This is the frontomedullary junction. Sure. Or the frontomedullary junction dashu upper superior border. Or inferior border foramen magnum. Foramen magnum na ziyat accurate to bara dokole che kana. Che da agazina start ki to ne koya ke kana. Agazivani start ki che chatta the first cervical nerve root rouses spinal cord. Thik shu. Takriban aga level mani foramen magnum. And this is the frontomedullary junction. सबसे पहले anterior view. ये है anterior view of the medulla. तो anteriorly ये continues है from the spinal cord is the anterior median fissure. This is the anterior median fissure. Lateral to this anterior median fissure is the pyramids, which are elevations formed by the fibers, descending fibers of the corticospinal tract. ठीक है. और जो है ना इसके lateral ये जो center में नज़र आता है ये this is the olive, inferior olive. Olive, which is found by the underlying inferior olivary nucleus. ठीक है. और ये laterally, अब ये देखो यहाँ पर बिल्कुल clear है, वो specimen में मैं दिखा रहा था लेकिन नज़र नहीं आ रही. This is the lateral, this is the inferior cerebellar peduncle. ये this is the inferior cerebellar peduncle. ये ठीक है. अच्छा, अब जो cranial nerves की origin है medulla से, ये तो जो रूट नर्व जो है उसकी ओरिजिन हो जाती है बिटवीन द पिरामिड्स एंड द ओलिव. दिस इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व रूट. अब रूट इधर तो नज़र आ रहा है लेकिन स्पेसिमेन में बिल्कुल है ही नहीं, पता नहीं कटा हुआ है हॉस्पिटल. ठीक है. दिस इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व. और ये जो है ना ये रूट्स आ रहे हैं बिटवीन द ओलिव एंड द इंटीरियर सेरेबिलर पेडंकल. तो फ्रॉम सुपीरियर टू इंटीरियर दिस इज़ द क्रेनियल नर्व 9, विच इज़ नोन एज ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व. क्रेनियल नर्व 10th वेगस नर्व. इसके मल्टीपल रूटलेट्स हैं. ठीक है. एक रूट नहीं है, एक क्रेनियल नर्व या स्पाइनल कॉर्ड की मल्टीपल. ठीक है. और सबसे नीचे ये दीज आर द क्रेनियल रूट्स ऑफ द एक्सेसरी क्रेनियल नर्व विच इज़ द क्रेनियल नर्व 11. ठीक छू. अच्छा, अब पोस्टीरियर व्यू में जाते हैं. पोस्टीरियर तो पोस्टीरियर में जब जाएंगे यहाँ पर तो पोस्टीरियरली कंटिन्यूस है द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस ऑफ द स्पाइनल कार्ड. ठीक छू. पोस्टीरियर मीडियन सल्कस ऑफ द स्पाइनल कार्ड. इसके बिल्कुल लेटरल यहाँ पर दिस इज द फंडामेडुलरी जंक्शन. कौन सा ये है ना, ये लेटरल, ये पेडंकल है. ये दिस इज अ पेडंकल. ठीक है. और ये यहाँ से तकरीबन कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ से शुरू होता है ये. और इसके लेटरली यहाँ पर ये तकरीबन इस जगह पर ये खास क्लियर कट बाउंड्री नहीं है उनके दरमियान. दिस इज़ द ग्रेसाइल ट्यूबरकल. ठीक है. और इसके लेटरल जो है क्यूनियर ट्यूबर, ग्रेसाइल ट्यूबर, क्यूनियर ट्यूबर. ठीक है. और दिस इज़ द क्यूविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. अच्छा, ये यहाँ पर जो सफ़ेद नज़र आ रहा है ये फाइबर्स है. फाइबर्स जिसको कहते हैं एक्सटर्नल अर्थवेट फाइबर्स. और ये लेटरली जाते हैं, लेटरली. तो हाँ, जो स्ट्रक्चर इससे बनता है उसको कहते हैं स्ट्राया मेडुलेरिस. ठीक है. स्ट्राया मेडुलेरिस मेडुला. क्लियर. सुबिस्टन दीवार. अब मेडुला से ऊपर ये है पोन्स. पोन्स. ठीक है. तो पोन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोन्टो मेडुलरी जंक्शन अप टू द लेवल ऑफ द मिड ब्रेन. ये मिड ब्रेन. ठीक है. तो पोन्स की जो निशानी है वो ये कि बल्जिंग आउटवर्ड इंटीरियरली कन्वेक्स कन्वेक्स ह्यूमन कन्वेक्स शेप है ये. तो पोन्स का जो मेजर फीचर है ये सबसे पहले तो सेंटर में बेजेलर ग्रू है. इंटीरियर मीडियन सल्कस वाज प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला वेयर इज दिस सल्कस इज कन्वर्टेड इनटू बेजेलर ग्रू इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द जो है ना पोन्स. और बेजेलर ग्रू में इज द नेम इंडिकेट रन करता है क्या बेजेलर आर्टरी. ठीक है. इसके लेटरल साइड इंटीरियर लेटरली जब हम आएंगे यहाँ पर तो ये है दिस इज़ द रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व क्रेनियल नर्व 5. ठीक है. रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. और ये ट्राइजेमिनल नर्व के दो रूट्स होते हैं, एक जो स्मॉलर मीडियल मोटर रूट. क्यों इस तरह होता है, क्योंकि जो है ना ट्राइजेमिनल नर्व का जो
मोटर सप्लाई बहुत कम है और सेंसरी ज़्यादा है तो लार्जर लेटरल सेंसरी रूट, ठीक है। अब लेटरल साइड फोन्स के लेटरल साइड भी आते हैं यहाँ पर, तो दिस इज़ द मिडल सेरिबेलर पेडंकल, जो ये है ना सारा एरिया नज़र आता है, दिस इज़ द मिडल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। अब इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल नीचे से ऊपर, मिडल यहाँ पर और सुपीरियर तकरीबन ये है, ये सुपीरियर है ना, मिड ब्रेन से इधर आता है, ये दिस इज़ सुपीरियर सेरिबेलर, ठीक है। अच्छा, अब पोस्टीरियर व्यू ऑफ द पोन्स, तो सेंटर में जो है, सेंटर में ये कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल ऊपर कंटिन्यूस है सेंटर में, और इसके बिल्कुल जो है ना यहाँ पर ये सेंटर जो फिशर है यहाँ पर, या ये गुरु नज़र आती है, ये सल्कस, इसको कहते हैं मीडियन सल्कस, मीडियन सल्कस, और मीडियन सल्कस के लेटरल जो है ना मीडियल इमिनेंस है, जो थोड़ा सा एलिवेशन बन गया यहाँ पर है, दिस इज़ द मीडियल इमिनेंस, और मीडियल इमिनेंस ये, दिस इज़ द मीडियल इमिनेंस ना यहाँ पर, तो मीडियल इमिनेंस का जो लोअर बॉर्डर है ये थोड़ा सा एलिवेटेड है यहाँ पर है, स्मॉल एलिवेशन इज प्रेजेंट, दिस इज़ कॉल्ड द फेशियल फॉलिक्यूलस, और आपको पता है फेशियल फॉलिक्यूलस किस तरह बनते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके ये क्या था, मीडियल इमिनेंस था, फेशियल फॉलिक्यूलस भी हो गया, इसके लेटरल जो है ना ये डिप्रेशन डीप ग्रू जो नज़र आते, ये दिस इज़ कॉल्ड द सल्कस लेमिनेंस, और सल्कस लेमिनेंस के मोस्ट लेटरली यहाँ पर क्या है, ये है क्या कहते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सल्कस सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सल्कस लेमिनेंस, और मीडियल इमिनेंस, फेशियल फॉलिक्यूलस, और जो है ना ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। मिड ब्रेन के तीन पहले से लेकर हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, मिडला, बोन्स और क्या है, सेरेबेलम, फिर मिड ब्रेन में, ठीक है। तो ये दो सेरेबेला हैं, ठीक है, इस तरह तो ये इस तरह पड़े हुए हैं ना ये, आप तो ये पोर्शन जो है ये इंटीरियर है, इंटीरियर सुपीरियर इस तरह है ना, इस तरह उल्टा करेंगे तो ये इंटीरियर लिया आएगा, सुपीरियर, ठीक है। तो मॉडल दोबारा बना, इंटीरियर सुपीरियर, समझ गए, यानी बनाओ मॉडल, सुपीरियर व्यू ऑफ द सेरेबेलम। तो ये सेंट्रल पार्ट जो है वर्मिस है यही, और साइड में सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स, सबसे पहले फिशर नज़र आ रहा है ये, दिस इज कॉल्ड विच फिशर, प्राइमरी फिशर, प्राइमरी फिशर ये, और प्राइमरी फिशर के ऊपर जो एक्सटेंशन है ये, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर लोब, ठीक है। और प्राइमरी फिशर से डाउनवर्ड अप टू दिस यूबुलो नोड्यूलर फिशर यहाँ पर, दिस इज़ द पोस्टीरियर लोब, समझ गए, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। अब पोस्टीरियर लोब में एक और फिशर है ये, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। अच्छा, दिस इज इंटीरियर लोब, दिस इज पोस्टीरियर लोब, और ये सबसे पोस्टीरियर ये है प्लॉकुलो नोड्यूलर लोब, दिस इज द यूबुलो नोड्यूलर फिशर, यूबुलो नोड्यूलर फिशर, दिस इज द प्लॉकुलो नोड्यूलर लोब, ठीक है।
अच्छा अब यू बोलो नोड्यूलर फिशन, यू वी ओ एल यू नोड्यूलर फिशन, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं, दो फिशर्स हैं, दो तीन एंटीरियर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और यू बोलो नोड्यूलर, तीन लोब्स बन गए इंटीरियर पोस्टीरियर और प्रोपेलम नोड्यूलर, ठीक है। अब ये वो पेडंकल का हिस्सा है ना, मिडल सुपीरियर इंटीरियर। अब सेंट्रल वर्मिस वेनोवर्मिस इसको क्रॉस सेक्शन दिया गया है, तो ये ट्रीज जो है जो सा जो नज़र आ रहा है ये वो नहीं शांत की फैरिंग है ना, दिस दिस कॉल्ड द पुली ऑफ द सेरेबेलम और आल्सो नोन एज हार्बर वाइटी, ठीक है। हार्बर का क्या मतलब है, ट्री वाइटी मीन्स दिस कॉल्ड द ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सेरेबेलम की जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा फंक्शनल भी पड़ेंगे, ठीक है, फिर समझ आएगा। तो सेरेबेलम की जो क्लासिफिकेशन है वो दो किस्म की है, एक एनाटॉमिकल है और दूसरा फंक्शनल। तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ये है जो मैंने आपको बताया, दिस इज द इंटीरियर लोब, दिस इज द पोस्टीरियर लोब एंड दिस इज द प्रोक्युलर नोड्यूल, ठीक है, ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है। अब एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में जो पार्ट्स जो सेपरेट किए गए थे उसको भी स्पेसिफिक फंक्शन अलॉट किए हैं ना, तो सबसे जो पीछे वाला है ये प्रोक्युलर नोड्यूल इसको कहते हैं आर्ची सेरेबेलम, आर्ची सेरेबेलम, आर्ची सेरेबेलम इसलिए कहते हैं कि ये सबसे जो है ना प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव का मतलब एक किसमें है फिशेस, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन है इन एसोसिएशन विद द वेस्टिबुलर अपैरेटस इज द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक शो करना। दिस इज द लार्जर वन इज द पोस्टीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब इज आल्सो नोन एज द न्यू सेरेबेलम, सबसे न्यूली डेवलप्ड है, और इसका फंक्शन जो है न्यू सेरेबेलम का फंक्शन क्या है, इन कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल। और इसके ऊपर जो है इंटीरियर लोब इसको कहते हैं पैलियो सेरेबेलम, तो इसका जो है ओरिजिन इन दोनों के दरमियान में, ये सबसे प्रिमिटिव, ये सबसे न्यूअर, ये जो है ना दरमियान में, तो इसको कहते हैं पैलियो सेरेबेलम, और बर्ड्स में पैलियो सेरेबेलम इज प्रेजेंट इन बर्ड्स आल्सो, ठीक शो। मसल टोन इसका फंक्शन, मसल टोन इसका फंक्शन। सो दिस वाज द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, नाउ द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में सेरेबेलम के तीन पार्ट्स बन जाते हैं, सेंट्रल वर्मिस ये, फिर वर्मिस बाउंड्री नहीं है लेकिन वर्मिस के तकरीबन इमीडिएटली लेटरली इन द सेरेबेलर हेमिस्फीयर दिस इज द इंटरमीडिएट जोन आर आल्सो लाइज ऑन द साइड ऑफ द वर्मिस इन आल्सो कॉल्ड द पैरा वर्मल एरिया, ठीक शो ना। और लेटरल टू दिस इज द लेटरल सेरेबेलर हेमिस्फीयर, लेटरल जोन, ठीक शो। अब फंक्शन इसका ये है कि जो सेंट्रल वर्मिस है और पार्ट ऑफ द प्लॉकुलो नोड्यूलर जोन, ये एक्ट करते हैं इन एसोसिएशन विद स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो दिस इज आल्सो नोन एज स्पाइनो सेरेबेलम, ठीक शो। स्पाइनल कार्ड का मतलब फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्सेस है या मोटर एक्टिविटीज कंट्रोल करना है, ठीक है। और इंटरमीडिएट जोन जो है ये इट एक्ट्स इन एसोसिएशन विद द, इसको कहते हैं नहीं सेंटर में जो है ना ये वेस्टिबुलर सेरेबेलम, ठीक है, प्लॉकुलर नोड्यूलर लोब, और ये दिस इज वेस्टिबुलर सेरेबेलम, स्टॉप।